लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और पहले फेज का इलेक्शन उत्तर प्रदेश के 8 विधानसभाओं में 8 जिलों में शुरू हो चुका है और इसी के चलते बिजनौर के जो 2 लोकसभाएं हैं नगीनौ और बिजनौर, यहां पर भी इलेक्शन पूरी तरह से शुरू हो चुका है और हर्षोल्लास के साथ लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशत अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले अपना। मेरा नाम बाबू सिंह सैनी जी। क्या इलेक्शन का आज जैसे जैसे इतना बड़ा महापर्व है, लोगों में वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह है? है जो उत्साह है, एक तो हमारे हैं विकास नहीं हुआ ढंग के साथ में। अच्छा। और अब जो उत्साह का हम नए चेहरे को लाना चाह रहे हैं। अच्छा। नया चेहरा जो हमें कोई विकास की लाइन पे लावे। अच्छा, क्यों लगता है कि नया चेहरा विकास करा पाएगा? क्योंकि जो हमारा इसलिए हमारा जहाँ भी सड़कें नाली पाली सब गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा। तो इसमें अगर हम सफाई के लिए भी नायब को कहे वो भी आना पसंद नहीं करते। तो ये तो नगर पालिका का काम है, नगर पालिका तो आप चुन चुके हैं पहले। नहीं, चुन तो चुके हैं, मगर फिर भी हमारे जो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो निधि से सांसद बने कोई अच्छा सा। हाँ। वो हमारा विकास करे शहर का। अच्छा, तो किसकी उम्मीद लग रही है आपको, किसको इलेक्शन लड़वाया? हमने तो इसको दीपक सैनी को लड़वाया। दीपक सैनी को लड़वाया, तो आप मेरे ख्याल से बिरादरी से भी सैनी शायद है ना जी? बिरादरी से भी सैनी है? नहीं, छोटे बिरादरी के सैनी। हमारा तो सबसे वो है जो मुस्लिम है क्या? हर अच्छा, इससे पहले रूसी गिरा को भी आपने काफी जद्दोजहद के साथ बड़े उसके साथ उनको भी लड़ाया था, इलेक्शन लड़ाया था उन्होंने विकास करा उनके। तो इस बार वो मुरादाबाद क्यों चली गई? नहीं, मुरादाबाद तो इसलिए चली गई कि जब हमारे है ये दीपक सैनी आ गए तो फिर मजदूर में टिकट उन्हें लेना पड़ा, उनको करना पड़ा। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब नाम बताइए। डॉक्टर साहब सबसे पहले स्मार्ट बॉय लग रहे हैं बिल्कुल आप। मैं डॉक्टर शादाब अहमद जी। जी, इलेक्शन वोट दे दिया आपने जी? वोट। अच्छा, क्या स्थिति है इस वक्त पोलिंग के? जितने निकलना चाहिए था पब्लिक वोट देने के लिए उतनी है नहीं है, क्या वजह है? क्या इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो गया? इंटरेस्ट के बाद लोकसभा में इंटरेस्ट कम होता ही है। क्या वजह है इसके पीछे? तो यहाँ पर प्रचार प्रसार की कमी रही बिजनौर में, जागरूकता कम, मतलब जागरूक नहीं किया गया पब्लिक को। अच्छा, वोट के प्रति तो जिला प्रशासन तो खूब अपना, उन्होंने तो कई बार नहीं, प्रचार नहीं, कराया। सब उसमें है, कागजों में। अच्छा, यहाँ कोई नहीं आया। अच्छा, इस क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, काजीपाड़ा क्षेत्र में? जी जी, काजीपाड़ा। अच्छा, तो यही वजह मानते हैं आपके जो वोट प्रतिशत है वो डाउन है? वो डाउन है। अच्छा, तो इसके लिए आपको लगता है कि जो प्रचार है वो ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि विधानसभा में और चेयरमैनी में होता है? जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बाकी खबरों के लिए हम आपको लाइव ले चलते हैं, बिजनौर का पूरा ज़िला आपको दिखाएंगे और स्थिति की जानेंगे, कहाँ पर कितने प्रतिशत वोट किस बूथ पर हुआ है, और लोगों से बात करके आपसे रूबरू कराएंगे। और इस वक्त हम आपको लाइव लेकर चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि बिजनौर शहर की क्या स्थिति है इस वक्त, किस तरह से पोलिंग हो रहा है। परसेंटेज हालांकि बहुत कम है पोलिंग का। ये GIC से हम चले हैं बिजनौर नुमाइश की तरफ। मैं आज मेरा अचानक प्लान बना कि क्यों ना जो बाहर बैठे हुए हैं लोग, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो बिजनौर से दूर हैं, एक बार और फिर से बहुत टाइम के बाद उनको अपना शहर दिखाया जाए। इसी के चलते मेरे दिमाग में अचानक ये प्लान आया कि क्यों ना यहाँ से आज लाइव किया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि किस तरह से बिजनौर में मतदान चल रहा है। और हालांकि बहुत बड़ा शहर है, ये देखिएगा पहला मतदान स्थल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर बस्ते लगा रखे हैं और पोलिंग बूथ बना हुआ है यहाँ पर, जिस पर लोग मतदान कर रहे हैं। बहुत कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकले हैं घरों से। जो 1:30-2 बजे तक का आंकड़ा था बिजनौर का वो 36% का था, और उस वक्त तक 36% मतदान हो चुका था शहर में। पूरा शहर पूरी तरह से बंद है, देख सकते हैं आपके किस तरह से लॉकडाउन का सा फीलिंग आ रहा है यहाँ पर, कि जिस तरह से लॉकडाउन में पूरी तरह से बाज़ार बंद था, दुकानें बंद थीं, और जो चुनिंदा लोग थे, जो इसेंशियल सर्विसेज थी, सिर्फ वही खुली हुई थी। बिल्कुल उसी तरह से आज मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, दूध दही की दुकानें खुली हुई हैं जो बहुत इसेंशियल हैं, जिनके बिना काम नहीं किया जा सकता, काम नहीं चल सकता, ज़िंदगी दूभर है, उन्हीं चीज़ों की सिर्फ दुकानें खुली हुई हैं। हालाँकि आस पड़ोस में जो है वो परचून वगैरह की दुकानें, जनरल स्टोर खुले हुए हैं। बहुत बड़ा त्यौहार जिसे कहते हैं वो उस तरह से होता है, जो इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन है। बहुत ज़्यादा लोगों में उत्साह देखने को नहीं मिला, जैसा कि मेरा अपना आइडिया है, अपनी सोच है मेरी, के जो उत्साह लोगों में होना चाहिए इलेक्शन के लिए, लोकसभा के इलेक्शन में नहीं मिला। नुमाइश जो बहुत दिनों के बाद, जो बहुत दिनों से शहर से बाहर हैं अपने, बिजनौर
से जा चुके हैं और विदेशों में रह रहे हैं, उनको मैं दिखा दूं कि आज जो उन्होंने नुमाइश देखी होगी किसी टाइम में, आज वो बिल्कुल अलग है पहले। लेकिन उससे पहले मैं रोक का आपको बता दूं, KPS कन्या इंटर कॉलेज, इसके बारे में, इसके जो मालकिन हैं रुचि गिरा, उनके बारे में मैं आपसे जिक्र करूँगा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको नुमाइश के बारे में बता दूँ कि आपको बिल्कुल गंजी गंजी से लग रही होगी। हालाँकि सौंदर्यीकरण के नाम पर ये एक बनाया गया है यहाँ पर नुमाइश चौराहे पर, और लेकिन इसका गेट पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब ये मुझे नहीं पता कि नगर पालिका की क्या प्लानिंग है, इस गेट को किस तरह बनाना चाहेंगे, लेकिन जो पहला गेट था वो ख़त्म हो चुका है। पूरा मैदान सपाट मैदान पड़ा हुआ है और ये मार्केट है पूरा जो जजी की तरफ रोड जाता है, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से बंद है, सुमसाम है। लोग सड़कों पर नहीं हैं, लोग जो आमतौर पर लोग होते थे वो भी नहीं हैं, लोग आराम में हैं या कैसे हैं मैं कुछ कह नहीं सकता, चूँकि परसेंटेज भी कम है, लोग सड़क मतदान करने नहीं निकल रहे हैं। उम्मीद यह जताई जा रही है मेरे हिसाब से तो कि जैसे हर बार जो परसेंटेज होता था 55-60, उसी बीच में इस बार का भी परसेंटेज रहेगा। कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है इस चीज़ का कि परसेंटेज बढ़ेगी। लोग बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं इलेक्शन में। और ये अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ देर पहले मैंने लाइव किया था, लेकिन इत्तफाक ऐसा रहा कि सिग्नल लाने की वजह से सिग्नल नहीं मिल पाए और जिसकी वजह से वीडियो पूरी नहीं बन पाई, वरना तो आपको बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला था। 40 मिनट की वीडियो हम बना चुके थे, लेकिन वो सिग्नल नहीं निकल पा रहे थे उससे, जिससे लाइव बाधित हुआ और लाइव चल नहीं पाया। मैं नहीं कह सकता कि क्या वजह रही होगी उसके पीछे कि किस वजह से वो चल नहीं पाया। बहुत सारे लोगों से हमने इंटरव्यू किए, जो आर्य समाज इंटर कॉलेज के सामने जो सेल्फी पॉइंट है वहाँ पे भी इंटरव्यू हमने एक मैडम का और एक सर का किया था, जो JNU से फारिग थे, JNU से एजुकेटेड थे, वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रखी थी उन्होंने, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब वो वीडियो देखेंगे और अपने आप को नहीं पाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि मैंने जो है उनको नहीं दिखाया। लेकिन अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूँ मैं कि सिग्नल वीक हो गए थे जिसकी वजह से उनकी वीडियो नहीं चल पाई है। दोबारा मैं लाइव आ रहा हूँ, दोबारा मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये अब ये उनकी किस्मत है कि एक बार फिर मुझे टकरा जाए। ये कैलाशवती मेमोरियल हॉस्पिटल बना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, शहनाई बैंकट हॉल, जानी पहचानी, आपकी कई दावत आपने यहाँ खाई होंगी। ये वो एरिया है, अब मैं धीरे धीरे करके बूथ की तरफ बढ़ूँगा, वहाँ देखेंगे कि स्थिति क्या है। ये देखेगा आप, ये शक्ति टाकिज वाली रोड है, हालात आपको पता है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर किस कदर भीड़ रहती थी। स्कूल पढ़ा था KPS इंटर कॉलेज, मैंने अभी कहा था आपसे कि उसके जो मालकिन है रुचि गिरा, जिनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक वही ऐसी शख्सियत हैं जो एक जिनका एक वजूद है शहर के अंदर, रुचि गिरा जी। हालाँकि वो कई बार से इलेक्शन हार रही हैं, ये किस्मत की बात है, इलेक्शन हार जीत के लिए होता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। ज़िला पंचायत का इलेक्शन उन्होंने अपनी बेटी को लड़वाया, वो हारी, और नगर पालिका परिषद का लड़वाया, वो हारी, विधानसभा का हारी बिजनौर से, विधानसभा का आपका जो है आंवला से हारी, और इस बार भी टिकट के चक्कर में थी वो MP के, लेकिन किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया। फिर उनको मुरादाबाद से टिकट मिला, मुरादाबाद से वो चुनाव लड़ रही हैं, कुंवर सर्वेश की टक्कर पर चुनाव चल रहा है उनका, वहाँ पर काफ़ी ज़ोरदार चुनाव लड़ रही हैं। देखिए ब्रीफिंग के लिए पुलिसकर्मी वगैरह बैठे हुए हैं, फोटोग्राफी भी चल रही है, क्योंकि एक शौक होता है, जज्बा होता है, ये भी इंसान है, इनको लगता है कि भाई हम भी जहाँ ड्यूटी पे जा रहे हैं हमारी भी एक फोटो होनी चाहिए ताकि हम परिवार को दिखा सकें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकें कि किस तरह से हमने बिजनौर में ड्यूटी करी है। बहुत अच्छा मौसम इस वक्त हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी। और ये सिविल लाइन का एरिया आ गया है जो शक्ति टाकी से सिविल लाइन की ओर जाता है। पिंकी भाई हमारे जो दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में गार्ड के पद में हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं भी अक्सर बच्चों की फ़ीस जमा करना आता हूँ तो इनका ये काफ़ी हेल्प करते हैं, सेंट मेरी के बच्चों की, मैं बच्चे मेरे पढ़ते हैं तो मैं अक्सर फ़ीस जमा करना आता हूँ। बीना प्रकाश हॉस्पिटल आपका काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है यहाँ का बिजनौर का। सिविल लाइन बहुत पॉश एरियो में माना जाता है बिजनौर के, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्ट फूड के ठेले लगते हैं, फास्ट फूड यहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं, फास्ट फूड की, हालांकि बीमारी का एक स्रोत होते हैं फास्ट फूड, लेकिन लोग यहाँ बहुत पसंद किया जाता है फास्ट फूड, ठेलों पर खड़े होकर खाना,
कृष्णा बेकरी काफ़ी पुरानी बेकरी है, हमारे दोस्त हैं ये भी, इनकी बेकरी है। और ये थोड़ी देर में आर्य समाज स्कूल आएगा, जहाँ पे मैंने मैडम से सर से बात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सिग्नल वीक होने की वजह से उनसे बात नहीं हो पाई। बात हुई, उनको लगा कि बात हुई, लेकिन असल में ये था कि वो भी बेचारे बात कर रहे थे और मैं भी बेवकूफ़ों की तरह उनसे सवाल पूछे जा रहा था। हमें ये ज्ञान ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही है। लोग जिन्होंने मतदान कर दिया घूमने के इरादे से निकले हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं भी लास्ट में मतदान करता हूँ, मैंने भी अभी वोट कास्ट नहीं किया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं भी वोट कास्ट करने रही, मैं पब्लिक स्कूल जाऊँगा और अपना अपने मताधिकार का प्रयोग करूँगा। ये बीकानेर मिष्ठान भंडार इस वक्त भीड़ होती थी, लेकिन आज बंद है पूरी तरह से। ये बिजनौर का पेट्रोल पम्प, सिविल लाइन का सबसे बड़ा पेट्रोल पम्प, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी कि अभी तक CNG इनके यहाँ नहीं आया, जिसकी वजह से लोगों को CNG डलवाने के लिए नगीना रोड पर जाना पड़ता है या फिर झालू जाना पड़ता है। चाट बाज़ार बाकायदा पूरी तरह लगा दिया गया, बहुत शौकीन है बिजनौर के लोग चाट खाने के। मुझे तो लगता है कि इनकी ज़िंदगी की जो आधी कमाई है वो चाट पकौड़ी में ही ये लोग उड़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का क्रेज़ बिजनौर में हो गया है, देखिएगा किस तरह से ये ठेले लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक माइनस पॉइंट इनका ये होता है कि जब ये किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो उसकी जो छींटे होती हैं वो सड़क पे आती हैं, और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सड़क पे बाइक चला रहे हैं उनकी आँखों में जाती हैं, जिनका चश्मा नहीं लगा हुआ है उनकी आँखों में वो छींटे जाती हैं, जो एक्सीडेंट का बायस बनती हैं, एक्सीडेंट की वजह बनती हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बस्ता यहाँ पे लगा रहा हुआ है, इलेक्शन साइलेंसर निकाल कर जो बाइक चलाने का क्रेज़ है बहुत पुराना है। और यहाँ पे चालान होते हैं, जो साइलेंसर होता है बाइक का वो निकाल के चलाने पर 10,000 रुपये का सीधा सीधा फाइन लगता है, जुर्माना अदा करना पड़ता है, चालान कटता है, लेकिन लोग बाज नहीं आते उसके बाद भी। और ये वो स्थल है जहाँ इस बाकायदा लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना रखा है। इसके बाद जो पब्लिक पोलिंग होती है, जो वोट पोलिंग, उसके बाद ये सेल्फी लेते हैं। और ये देखेगा भाई साहब ये किस तरह से, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये सेल्फी ले रहे हैं। वोट मताधिकार का प्रयोग, मताधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया है, और मैडम इनकी फ़ोटो ले रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा पर्व होता है। बात करूंगा सर से, मैडम से भी बात करूंगा। क्या हाल चाल है बॉस? बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आज पर्व मना रहे हैं ये वाला। कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं, नाम बताइए। मेरा नाम आर्यन चौधरी है, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ, सिविल लाइन का। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें अपना मतदान देने का मौका मिल रहा है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज छुट्टी का दिन नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने का दिन है, तो हर एक मतदाता को अपना वोट डालकर इस देश के लिए जो हमारा कर्तव्य है करने का वो करना चाहिए। और हर मैं युवाओं से भी कहूँगा कि आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और अपने देश को सशक्त बनाएं। मैडम आप भी रहिएगा। और अपने आने वाली सरकार को आने के लिए और मजबूत बनाएं। और सभी से मेरी है जय हिंद। किन चीज़ों पे मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? जी मैंने युवाओं को लेकर वोट किया है, और आने वाले समय में जो और देश की तरक्की होगी उसके लिए वोट किया है। मुद्दा क्या रहा आपका, मतलब किस चीज़ को लेकर? मुद्दा रोजगार को हटाने पर रहेगा, जो अच्छा रोजगार देने को रहेगा युवाओं को, और गरीबी हटाओ का नारा है जो हमारा। अच्छा, 10 साल से सरकार चल रही है BJP की, उसमें लोगों का ये आरोप है कि रोजगार नहीं मिल पाया जी, लोग नौजवान जो है बेरोजगार पकौड़े बेच रहे हैं। नहीं, ये तो सब झूठे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए युवा बहुत आगे निकल चुका है, आज का युवा पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहा है और अपने बिजनेस डाल रहे हैं। हमारी सरकार स्टार्टअप दे रही है, उसके लिए पैसे दे रही है युवाओं को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर रही है सरकार। कहाँ तक आप सहमत हैं इनकी बात से भैया? मैं 100% सहमत हूँ जी। क्या नाम आपका? उषा चौधरी। क्या काम करती हैं? गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि रोजगार है युवाओं के पास जी, जी। तो आपके यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? हमारे तो सब बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। सब बच्चों को रोजगार, तो क्या मुद्दा निगाह में था जब वोट करा? हमने तो वोट इसलिए करा है, सरकार अच्छी है और में लेडीज का बहुत ज्यादा इस सरकार में ध्यान रखा गया है, सुरक्षा है लेडीजों की। अच्छा, नौजवान जो है बहुत बड़ी तादाद में ऐसा है जो वोट डालने के लिए निकला नहीं है, तो क्या संदेश उन लोगों को देंगे? बहुत टाइम, कम टाइम रह गया है। देखो सबको ये अपना जिम्मेदारी अपनी निभानी चाहिए, सरकारी तरफ से छुट्टियां हैं, इस वजह से ही आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, जैसे उन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कि उन्हें अपने लिए उन्हें वोट करना चाहिए, आगे सरकार उनकी तरक्की करेगी, कर रही है, आगे कर भी रही है। तो मैं तो यही कहती हूँ युवाओं से, उन्हें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वोट डालना चाहिए। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। और ये थे नौजवान, और भी खड़े हैं। वोट किया आपने?
हैं, दिखाइएगा दिखाइएगा कौन सा पहली बार मतदान किया। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या काम करते हैं? मेरी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है, क्या कर रहे हैं? मेरा बीबीए चल रहा है। कहाँ से? वीरा कॉलेज से। वीरा कॉलेज से, तो वीरा कॉलेज की जो आपके यहाँ से एक रुचि वीरा जी हैं वो भी इलेक्शन लड़ती हैं, तो इससे पहले कभी वोट किया उनको आपने? जैसे कि तीन बार आप वोट कर चुके हैं, अभी नगर पालिका के चुनाव में भी उनकी लड़की खड़ी थी। नहीं नहीं, उनको वोट नहीं करा। वजह? कुछ नहीं है, बचपन से सारे घर वाले पूरे फैमिली मेंबर भाजपा के ही हैं। अच्छा, भाजपा के आप लोग हैं, और मतलब किस मुद्दों को लेकर वोट किया आज? कुछ नहीं, अच्छे काम को, बिजनौर किसी ने सोचा भी नहीं था इतनी तरक्की करेगा, हाईवे जाके देखो कितने बन गए। अच्छा, और क्या तरक्की करी बिजनौर ने? सभी करी है, तो रोजगार के लिए क्या करा है? क्या जैसे स्टार्टअप के लिए पैसे दे रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? सब चीज़ हो रही, मेडिकल कॉलेज बन रहा है बिजनौर। मेडिकल कॉलेज तो बीएसपी समाजवादी पार्टी कर रहा है, हमारी देन, हमने इसका स्टार्टिंग किया था। जितने उद्घाटन करा देन तो उसकी है, देन उसकी है। लोक दल वाले भी खड़े हैं, अरे क्या नाम है इनका? पवार जी, दो मिनट आ जाओ, अरे आ जाओ दो मिनट, पॉज कर दो। तो ये जो दोनों लोग आए थे सेल्फी पॉइंट पर, ये हमसे बात कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से अपना अपना ओपिनियन होता है, उनका ओपिनियन ये था। चलिए मैं आपको बिजनौर इंटर कॉलेज लेकर चलता हूँ और देखते हैं बिजनौर इंटर कॉलेज में स्थिति क्या है। अपना अपना नज़रिया होता है हर आदमी का, जो जिस पार्टी से जुड़ा होता है उस पार्टी की तारीफ़ करता है। जैसे ये जो मैडम थी और ये सर थे, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। जो समाजवादी पार्टी वाले होते हैं वो समाज पार्टी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? ये हर इंसान के पास दिमाग है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि क्या बात सही है और क्या गलत। और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा मतदान होता रहा है, कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि रोज़गार है, बेरोज़गारी है और स्टार्टअप है। हालांकि ये एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे, तो कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। मौसम अचानक देखिए किस तरह से तब्दील हुआ है और आसमान में काले बादल आ गए हैं, और उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए। तो ये बुल्ला का चौराहा गया है, और बुल्ला का चौराहे से क्योंकि अब बिल्कुल लास्ट चल रहा है इलेक्शन का, तो काफ़ी गहमा गहमी का माहौल हो गया है, शुरू हो गई है गहमा गहमी। और बारिश को भी आप देख के चल रहे हैं कि बारिश किस तरह से यहाँ से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बिल्कुल इस तरह से लगाई गई है कि इस वक्त लाश चूँकि चल रहा है तो इधर से निकलने नहीं दिया जा रहा है बाइकों को, क्योंकि लोग छुट्टी की तरह बाइकों को लेकर जा रहे हैं कि छुट्टी मना रहे हैं। एक तरीके से लोग टहल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे इलेक्शन आ चुका है, बंद कर दो, 5:10 हो चुके हैं, बड़े 5:10 हुए हैं और अभी लगभग 50 मिनट बाकी हैं, 6 बजे तक का पोलिंग है। और अब अचानक से भीड़ बढ़ी है सड़क पर और लोग पोलिंग के लिए निकल रहे हैं, और जिस तरह से इलेक्शन का प्रतिशत कम रहा तो उसको देखकर लगता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि 50-55 के करीब परसेंटेज के करीब ये इलेक्शन हो सकता है। देख सकते हैं आपके किस तरह से लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। ये बुल्ला से चौराहे से जानी के चौराहे की तरफ रोड जा रही है। इससे पहले मैंने यहाँ पर लाइव किया था लेकिन किसी कारणवश वो चल नहीं पाया, सिग्नल वीक होने की वजह से दोबारा मुझे इस रोड से इसलिए आना पड़ा ताकि आपको स्थिति दिखा पाऊँ क्या है शहर की स्थिति इस वक्त। नगीने से भी 4 लोगों के बीच मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, भाजपा है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, पूर्व जज जो हैं यहाँ से, ये समझिए आपके कितना उन्होंने तवज्जो दी राजनीति को, के जो जज की पोस्ट थी अपर जिला जज थे वो वहाँ से त्याग पत्र दिया उन्होंने, इस्तीफा दिया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और फिर इलेक्शन लड़ना है नगीना से। ये बूथ है चाशीनी नंबर 1, थोड़ी बहुत देर का ये इलेक्शन रह गया है। आपको बीआईसी लेकर चलता हूँ कि बीआईसी में क्या स्थिति इस वक्त है।
और कितना इम्पोर्टेंस उन्होंने राजनीति को दिया है देखेगा कि अपर जिला जज के पोस्ट से इस्तीफा देकर वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा। 1984 में मायावती वहाँ से इलेक्शन जीती थी, आपको पता है, अच्छी तरह जानते हैं जो लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, राजनीति का शौक है जिन्हें, उन्हें पता है कि 84 में वहाँ से मायावती जीती थी। ये देखिएगा किस तरह से बस्ते लगाए हुए हैं और लोग पर्चियाँ बना के दे रहे हैं लोगों की, जिनके घर पर्ची नहीं पहुँची हैं। तो 84 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने, मायावती ने वहाँ से जीत हासिल करी थी और जीती थी वो इलेक्शन वहाँ से। और देखिए आके आपके मुख्यमंत्री बनी कई बार उत्तर प्रदेश की, तो बड़ी अच्छी सीट, बड़ी विजयी सीट मानी जाती है, सेंसिटिव सीट मानी जाती है नगीना की। इस बार चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण वहाँ से आसपास से खड़े हैं, अपनी उन्होंने एक आज़ाद समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई हुई है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद हैं, वो टक्कर दे रहे हैं कड़ी। और जितने लोगों से मेरी वहाँ नगीना के बात हुई तो पूरी तरह से समर्थन उन्होंने दिया है। ये देखिए, ये बिजनौर इंटर कॉलेज का पूरा मैदान है जहाँ पर हैं इलेक्शन, देख सकते हैं आपके किस तरह से हुआ है, दो चार लोगों से बात करेंगे। और BIC से, ये BIC पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये झाड़ू बस अड्डे की तरफ ये देखिएगा आप, मार्केट पूरी तरह से सुनसान, सब लोग इस पर्व को मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि प्रतिशत बहुत कम है, लोगों ने छुट्टी माना इस दिन को, और या तो घर पर आराम कर रहे हैं या फिर घूमने निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा लापरवाही है लोगों की कि वो अपने मतदान करने नहीं जाते हैं। बहुत ज़रूरी है सरकार बनाने में अपना सहयोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश की। ये बुखारी की तरफ रोड जाता है, आसमान देखिए आपके कितना तेज़ बादल आ गया है, लगता है कि जैसे बारिश होगी। ये संत रविदास मोहल्ला, पूरा बुखारे का एरिया है ये, बुखारे के अंदर ही लगता है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो अच्छी तरह से पहचानते होंगे इस जगह को, ये मंदिर है संत रविदास जी का, बहुत बड़ा मंदिर है। हालांकि पहले बहुत छोटा सा था लेकिन अब इसका विस्तार कर दिया गया है। ये बकरा मार्केट है, मछली मार्केट शुरू हो गई है। यहाँ पर मेरे सहायक ने मेरे कान में कुछ कहा, हंसी की बात थी लेकिन मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। ये पूरा वो क्षेत्र है जो चाशीरी को जोड़ता है, जो मुइन के चौराहे को जोड़ता है, जो हिस्सा पूरा वो एरिया है। और सुबह से बोलते बोलते मैं इतना थक गया हूँ। देखिए आप, मछली मार्केट है पूरी, मछली को लेकर इस वक्त चुनाव में भी काफ़ी विवाद हुआ था, आपने देखा होगा कि बिहार में किस तरह से विवाद हुआ इसको लेकर, मछली को लेकर। ये जब इलेक्शन आता है तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर विवाद चलता रहता है। तो पूरा मार्केट पूरी तरह से खुल चुका है यहाँ का, क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रहा है इलेक्शन का इस वक्त। कुछ ही देर में जो मशीनें हैं, जो EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो सब पैक होकर सील होकर वेयर हाउस में जमा हो जाएंगी। वेयर हाउस आप जानते हैं, नजीबाबाद रोड पर जो वेयर हाउस है जहाँ पर वोटों की गिनती भी होती है, वहाँ पर इन सब मशीनों को प्रशासनिक अमला वहाँ ले जाकर जमा कर देगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है BSF, उसकी ड्यूटी वहाँ पूरी तरह से रहेगी, पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे वो लोग, जिससे EVM को किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके और किसी तरीके से कोई छेड़छाड़ ना हो। हालांकि विपक्ष का हमेशा आरोप लगता है कि EVM से छेड़खानी की जाती है, EVM को हैक किया जाता है। और इस बार तो ये कहा जा रहा है कि जो लंबा टाइम है, एक पीरियड है, जो आज 19 अप्रैल है और 6 जून तक का बहुत लंबा पीरियड है, तो इस बीच ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, लोगों के आरोप हैं विपक्ष के। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट जाने या फिर जो चुनाव आयोग है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा। चाशीरी का एरिया,
किरतपुर के कबाब यहाँ पर फेमस हैं, किरतपुर वालों के कबाब लगते हैं। अब तो पहले एक लगता था, अब कई जगह एक ये भट्टी है, एक ये भट्टी है, इधर तीन चार जगह किरतपुरिया कबाब यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। बहुत कम उत्साह इस वक्त आज देखने को मिला बिजनौर में। बड़ा अफसोस भी हुआ कि इतना बड़ा पर्व है जो चुनाव है, और नमाज हुई है असर की, लोग निकल रहे हैं मस्जिदों से बाहर। बहुत बड़ा क्षेत्र इससे पहले मैंने कवर किया था, जो मैंने अभी मैंने आपको बताया कि टेक्निकल जो इश्यूज थे उसकी वजह से वो चल नहीं पाया। दोपहर का टाइम था, बहुत सख्त धूप थी, उसके बाद भी मैंने 48 मिनट की वीडियो वो बनाई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। शंभा बाजार का वो एरिया जो काफ़ी फेमस है, सदर बाजार की तरफ जाता है रास्ता है। और अब हम चूँकि टाइम बहुत ख़त्म होने को है बिल्कुल इलेक्शन का, और मैंने भी अभी तक वोट नहीं किया है, तो हम इस वक्त रहीमिया स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे मैं भी अपना वोट कास्ट कर सकूं। क्योंकि पता चला कि जो औरों को प्रोत्साहित कर रहा है वोट करने के लिए, उसका खुद का अपना वोट नहीं पड़ा, हलक बिल्कुल सूख चुका है सुबह से कवरेज करते करते। और ये हो जाएगी अभी जब सिग्नल ख़त्म हुए और हम वीडियो कवरेज नहीं कर पाए पूरी। बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं काफ़ी देर से बोल रहा था। ये शिव मंदिर है बिजनौर का जो मंडी की तरफ जाता है, रास्ता उस पर बना हुआ है। मरकज़ वाली जामा मस्जिद इसी रोड पे है, सामने आप देख सकते हैं कि मीनार मस्जिद के दिखाई दे रहे होंगे आप, वो इसी रोड पर है। और रहीमिया स्कूल पर हम इस वक्त चलेंगे, मरकज़ वाली मस्जिद आ गई है, देखिएगा। लोगों से बहुत लोगों से सैकड़ों लोगों से बात की थी, लेकिन वो सब सिग्नल जाने की वजह से सब ख़त्म हो गई। मलाल रहेगा इस बात का, आज जुमा भी था, जुमा के वास्ते भी काफ़ी लोग देर से घरों से निकले जो वोट किया जिन लोगों ने। और ये वो एरिया है जो छोटा बाज़ार की ओर आ गया, छोटा बाज़ार काजी पड़ेगा। जो मेरे सहायक हैं इस वक्त उनकी भी चैनल से कॉल आ रही है, उनका भी लाइव होना है इस वक्त, इसलिए जल्दी पहुंचने के लिए रहीमिया स्कूल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ताकि वक्त रहते पहुंच सकें और अपने वोट का भी इस्तेमाल कर सकें और इनका लाइव भी हो जाए। ये छोटा बाज़ार का एरिया आ गया है, जितनी एनर्जी थी ख़त्म हो चुकी है सब, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ पहली वीडियो बनाई थी, लेकिन काफ़ी मायूस होना पड़ा उसके बाद जब ये देखिएगा आपके मस्जिद से नमाज छुट्टी है, इमली वाली मस्जिद इधर मार देना। ये तारीम साहब हैं, वोट किया सर आपने, वोट कर दिया आपने, क्या नाम सर आपका? तारीम इलियास अफेंदी। जी जी जी, वोट किया आपने? जी किया है। कैसा रहा इलेक्शन? इलेक्शन की जो गर्मियाँ थी, जो सरगर्मी दिखाई देती हैं, वो दिखाई नहीं थी ज़्यादा, है ना, उसकी वजह रौनक होती है, जो रौनक होती है नहीं चल पाई, पता नहीं चल पाई। हमने सुबह 8 बजे करीब वोट दिया था, लेकिन मैं बूथ पे गया था, मेरा ये रहीमिया में था जी जी, मैं भी और मेरी वाइफ भी जी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। क्या वजह है तारीम साहब के इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें बिल्कुल रौनक हुई नहीं? हाँ, रौनक देखा अब तक पता नहीं चला इलेक्शन हो रहा है, तो स्टार्टिंग में तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या लग रहा है? वेल एजुकेटेड आप इंसान है, क्या हो सकता है? मैं अब क्या कह सकते, क्या सोच है आपकी, क्या सोच? तो मेरी ये है कि असल में डेवलपमेंट पर काम नहीं होता कभी भी, ना बात होती है किसी। अब जो इलेक्शन शुरू हो गया है, वो इलेक्शन अब किसी मतलब विचारधारा के तहत चल रहा है, उसमें तो उस विचारधारा पे अगर वोट होगा तो फिर तो और भी ज़्यादा पब्लिक बाहर निकलेगी, तो पब्लिक तो है कुछ कैंडिडेट का। मैं समझता हूँ कि जो रहा है सिलेक्शन जो रहा है पार्टियों का, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोकसभा बहुत बड़ी परिसर बहुत बड़ा है,
नहीं लेकिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी पिछले भी हमने देखा है लोकसभा में अच्छी खासी रौनक रही है बहुत। अच्छा, प्रत्याशी भी कोई खास दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में? इधर क्षेत्र में ये भी नहीं दिखाई है ना। अच्छा, आप जैसे आज पोलिंग है तो आज भी कोई दिखाई दिया आपको कोई कैंडिडेट? नहीं, मैंने नहीं, मैं तो मैं निकला ही नहीं पहली बार, तो मैं वोट डाल के मैं आ गया था। अच्छा हाँ, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा, तो क्या संदेश देंगे युवा को जिन्होंने अब तक वोट नहीं किया? नहीं, वोट तो जरूर करना चाहिए, वोट तो हमारा अधिकार है। नहीं करना चाहिए, सब लोग कहते हैं, लेकिन परसेंटेज फिर भी डाउन है। हाँ, अब ये तो देखिए, घर से निकालना चाहिए, बल्कि जो जो पार्टियां जो हैं पोलिंग पार्टी हैं उनको कायदे में जो उनके कैंडिडेट्स के जो उनके एजेंट्स वगैरह हैं उनको घरों से निकाल के बाकायदा लेके जाना चाहिए कि भाई ये वोट करें। चलिए साहब, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। चलिए, तो ये थे तारिम साहब। बहुत कम टाइम रह गया है और मैंने भी अभी तक अपना वोट नहीं किया है, तो हम चलते हैं इस वक्त रहमिया स्कूल की तरफ और रहमिया स्कूल पे देखेंगे हम कि वहाँ पर स्थिति क्या हो रही है। और चूँकि गाड़ियाँ लगभग आ चुकी हैं, देखिएगा आप, जो पार्टियाँ हैं, जो मशीनें लेके जाएंगी, जो वेयर हाउस में पुलिस पार्टी पहुँचाएंगी, सब देखिए जितनी गाड़ियाँ हैं बसें हैं सब लग चुकी हैं आकर के, चूँकि बहुत कम टाइम रह गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। टाइम निकलता जा रहा है। PSC QRT प्रथम थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, जिन जिन की ड्यूटी जहाँ जहाँ लगती है वो वहाँ पर अपनी जगह टाइम से पहुँचने शुरू हो जाते हैं। और ये देखेगा सब लगभग खड़े हो चुके हैं अपनी अपनी जगह छोड़कर, और बिल्कुल करीब है टाइम ख़त्म होने को है, बिल्कुल समय। जितने लोग अभी रह गए हैं कास्टिंग करने से वो बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे, क्योंकि या तो सुबह में ज़्यादा भीड़ होती है, फिर शाम का वक्त ऐसा होता है एंड में जब लोग आते हैं हम जैसे, बहुत कम हालांकि लोग रह गए हैं। देखिए बूथ बिल्कुल खाली हैं, पूरे दिन यही स्थिति यहाँ पर रही और ये स्कूल बस आगे लग चुकी हैं जो मशीनों को लेकर जाएंगी। और जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। अब यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, विराम लगाते हैं।